छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एनएचएम के कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें, कर्मचारियों का कहना है कि उनका नियमितीकरण किया जाए, वह पूरी तरह से कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन शासन को हमारी चिंता होनी चाहिए। कर्मचारियों को अगर कुछ हो जाता है तो उनके लिए बीमा जैसा प्रावधान तथा अनुकंपा जैसा प्रावधान है, परंतु हम संविदा कर्मचारी एनएचएम के कर्मचारी मर जाएं तो हमारे घर वालों को डेड बॉडी भी नसीब नहीं होगी। ऐसे में हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। देखिए, अभी 19 तारीख से हमारे जो एनएचएम के कार्यकर्ता हैं वो सब निश्चितकालीन हड़ताल में गए हुए हैं, और चूँकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना देख रहे हैं, रायगढ़ काफ़ी फैला हुआ है, डेली 150-200 पेशेंट आ ही रहे हैं, और हम सब लोग काफ़ी इसको संभालने में लगे हुए हैं, और हमको भी इन एनएचएम साथियों की बहुत आवश्यकता है इस टाइम में, क्योंकि उनके बिना हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, और हम चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपने काम में आ जाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ समझौता नहीं हो पा रहा है इनका, इसीलिए चूँकि शासन चाहती है कि काम में आए, और कुछ लोगों को इसलिए टर्मिनेट भी किया गया है, 4 लोगों को कुछ लोग को नोटिस दिया गया है। तो ये नेशन वन के लिए रायगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। नैनीताल में जिलाधिकारी ने शीतला हाट जल स्रोत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु द्वितीय चरण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल संस्थान को मौके पर दिए, ताकि जल स्रोत से आगामी 25 से 30 साल तक लगातार पेयजल आपूर्ति हो सके। फीडर कैनाल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी बंसल ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के दृष्टिगत फीडर कैनाल को RCC के साथ ही कवरिंग करने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए हैं। जो रिफाइनमेंट था वो हो चुका है। सेकेंडली, जो फीडर कैनाल थी जो बल्लभराज से ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी को कैरी करती है, वो बहुत स्थानों पर टूटी हुई थी, सीपेज होता था, लीकेज था, अराउंड 30-35% पानी हमारा वेस्ट हो रहा था, और लीड टाइम बहुत अधिक था। इसके लिए भी हमने खनिज फाउंडेशन से अराउंड 30 लाख इरीगेशन डिपार्टमेंट को जारी किए थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा वर्क डिस्प्ले किया है, और अभी वो मेजरमेंट चल रहा है। इसमें भी उम्मीद है कि हमारा जो सीपेज एंड लीकेज लॉसेस थे वो रिड्यूस हो चुके हैं, और जो लीड टाइम था वो कम हो चुका है। इसका द्वितीय चरण में नहर की RCC वॉल्स और कवरिंग, जैसा हमारे फीडर कैनाल में मैंडेट है जो होना चाहिए एज पर दी मानक, उसका प्रोजेक्ट हम नेबार्ड को अप्रेषित करेंगे, और उसके निर्देश एसिरीगेशन को दिए जा चुके हैं। इसमें उम्मीद यह है कि हल्द्वानी वासी और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, पानी की वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पानी कंज्यूम करें, और जो स्वच्छता है, शुद्धता है, वो हमारे गौलबराज से लेके उनके घर तक मेंटेन करें। इसमें समाज के सभी स्टेक होल्डर्स की कोऑपरेशन की आवश्यकता होगी। नेशन वन के लिए नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार में स्थित औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। नेशन वन के लिए हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ राज्य में जल जीवन मिशन के तहत संचालित किए जा रहे कार्यों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समयबद्धता वाले जल जीवन मिशन कार्यक्रम के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य में योजना के तहत 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री की सराहना कर उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तराखंड मॉडल स्टेट बन सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के हालातों के बावजूद भी देश में योजना के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। धर्मनगरी हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कोविड-19 गाइडलाइन के मद्देनजर बनाई गई अस्थायी जेल से 8 कैदी फरार होने से हरिद्वार पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस के बड़े अधिकारी राजकीय प्रमाणित संस्थान
भिक्षु गृह में बनाई गई अस्थायी जेल पहुंचे और मौके पर स्थिति का जायजा लिया। ये सभी फरार कैदी शातिर अपराधी हैं। फिलहाल 4 कैदी पुलिस की गिरफ्त में हैं। नेशन वन के लिए हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने झाजरा वन रेंज परिसर में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का लोकार्पण किया। झाजरा में विकसित किए गए इस सिटी फॉरेस्ट में उत्तराखंड की विभिन्न जातियों के जीव जंतुओं एवं प्राकृतिक दृश्यों को प्रतिकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। इसे नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस वर्ष नवरात्रि के प्रथम दिवस से ये सिटी फॉरेस्ट सेंटर आम जन के लिए खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बिल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल कृषकों को संरक्षण देने, बिचौलियों को समाप्त करने और कृषकों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण उपाय साबित होगा। उन्होंने कहा कि जहां इस बिल से कृषकों का शोषण समाप्त होगा, वहीं कृषकों को अपनी उपज बेचने के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होगा। और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून के रूप में आएंगे और जैसा इनका नाम है, पहले बिल का नाम जैसे हमने देखा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, इसके नाम से स्पष्ट है कि वाणिज्य उपज व्यापार और वाणिज्य उसको किस तरह का सरलीकरण उसमें किया जाए कि ताकि किसान की आय बढ़े। दूसरा मिलकर जैसे आपने देखा कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, किसान को मजबूत करना और उसको संरक्षण देना। और तीसरा जो बिल था जो जिसमें कृषि सेवा पर करार यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये तीनों ऐतिहासिक बिल है और मैं इसके लिए मोदी जी की सरकार को बहुत बहुत बधाइयां भी देता हूँ कि किसानों के हितों में ऐतिहासिक कदम उठाकर उन्होंने देश के 65%। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। बॉलीवुड सिंगर सिद्धार्थ शंकर श्रीवास्तव को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र श्रीवास्तव ने उनके मनोनयन पर शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता सचिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सिद्धार्थ के आने से युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। इस खबर को सोशल मीडिया पर देखते ही कायस्थ युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। यूपी के बुलंदशहर में तहसील सियाना में भाकियू के जिला अध्यक्ष कपिल सिरोही के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सियाना ब्लॉक में किसान बिल के विरोध में धरना दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने बुलंदशहर स्टैंड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान सड़क पर ही अपनी मांगों को लेकर लेट गए, जिसके बाद उपजिलाधिकारी को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।